तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आप सबका स्वागत है एक और नई वीडियो में। आज हम लोग कंपैरिजन करने वाले हैं Asus ROG 5S के साथ iQOO Neo 7 Pro का। तो पहले हम बात करते हैं Asus ROG 5S के बारे में। आप लोग तो सब जानते ही हो, इसमें आपको मिलता है 6.78 इंचेस का एक FHD प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले 144 हर्ट्ज का। इस फोन में आपको आगे प्रोटेक्शन मिलता है गोरिल्ला ग्लास विक्टर्स का और पीछे का प्रोटेक्शन है गोरिल्ला ग्लास 3 का। यह आपको ऑफर करता है स्नैपड्रैगन 888 प्लस का प्रोसेसर, तो गेमिंग में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाला। आप लोग तो जानते ही हो, ये एक प्रीमियम फ़ोन होने के बावजूद इसमें 3.5mm का हेडफोन जैक देखने को मिलता है, क्योंकि ये एक गेमिंग फ़ोन है। इसमें आपको डुअल स्टीरियो स्पीकर मिलते हैं और ये बहुत लाउड है गाइस। मैं पर्सनली देख चुका हूँ इस फ़ोन को, बहुत लाउड है। और 6000 मिली एम्पियर का बैटरी मिल जाता है आपको विथ 65 वाट का चार्जर और 10 वाट का वायर रिवर्स चार्जर। और गाइस, Asus ROG 5S में मिलता है आपको 64 मेगापिक्सल मेन कैमरा, 13 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड और 5 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा। आप इसमें 4K 60fps और 8K 30fps में वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। और सेल्फी में मिलता है आपको 24 मेगापिक्सल का सिंगल कैमरा। और अब आ जाते हैं हमारे फेवरेट फ़ोन के पास, iQOO Neo 7 Pro। इसमें आपको मिलता है 6.78 इंचेस का एक FHD प्लस एमोलेड डिस्प्ले और इसमें आपको मिलता है क्वालकॉम 8 प्लस जेन 1 जो कि 4 नैनोमीटर आर्किटेक्चर में बेस है। और गाइस, जैसा कि मैंने बोला था, iQOO Neo 7 Pro में आपको ईयरफोन जैक नहीं देखने को मिलता, मतलब 3.5mm का हेडफोन जैक नहीं देखने को मिलता आपको। लेकिन हाँ गाइस, इसका चार्जर बहुत बढ़िया है, 120 वाट का चार्जर है। 8 मिनट में आपको 50% चार्ज करके देगा फ़ोन को और इसका बैटरी है 5000mAh का। और हाँ, इसमें भी आपको डुअल स्टीरियो स्पीकर देखने को मिलता है जो कि काफ़ी लाउड है। तो इसका मेन कैमरा है 50 मेगापिक्सल का OIS कैमरा और 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड और 2 मेगापिक्सल का मैक्रो और सेल्फी का है 16 मेगापिक्सल। तो गाइस, मुझे पर्सनली लगता है आपको iQOO Neo 7 Pro के साथ ही जाना चाहिए, क्योंकि वो अभी अभी लॉन्च हुआ है और Asus ROG 5S को लॉन्च हुए हुए 2 साल होने को आया है। और Asus ROG 5S के कंपैरिजन में iQOO Neo 7 Pro का प्रोसेसर आपको ज़्यादा अच्छा देखने को मिलता है। तो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। आपको अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मुझे कमेंट कर देना आपको कौन सा फ़ोन पसंद है और आप कौन सा वाला लेने वाले हो।